प्रदेश में 5 महीने पहले बने नए मेयर्स को अभी तक कोई पावर नहीं मिली है, जिसे नगर निगम के अफसर चांदी कूट रहे हैं। सबसे बुरा हाल पानीपत नगर निगम का है। बीजेपी के ही एक नेता और पूर्व मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 करोड़ के ठेकेदार को 60 लाख का फायदा पहुंचाने के सबूत पेश किए हैं। मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। पानीपत नगर निगम का भी यही हाल है। पूर्व मेयर और मौजूदा मेयर के पिता सरदार भूपेंद्र सिंह ने आज पानीपत नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार को लेकर फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार कहती है ऑनलाइन टेंडर्स हो गए, पारदर्शिता आ गई है, उपलब्धि मानती है ऑनलाइन सेवाओं को। ऑनलाइन टेंडर्स में भी अब सेटिंग शुरू हो गई है। ऐसा उपलब्धि मानती नहीं है, उपलब्धि है। सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार है कि जिन्होंने इस काम की पहल तो करी, लेकिन पिछली सरकारों में तो ये भी नहीं होता था। लेकिन आगे यहाँ का जो मेन सिस्टम है वो सारा मालिक यहाँ की कमिश्नर बनाई गई है। हालांकि मेयर तो चाहे अलग से चुनाव जीतकर आ भी गई है, अभी तक उसको कोई पावर नहीं देगी। जिस दिन इन अधिकारियों को पता लग जाएगा कि मेयर के पास पावर आ गई है, कि उसकी हर चीज पे मेयर का साइन होने जरूरी हो गए हैं, या उसके पास इनकी एशिया की पावर आ गई है, तो ये अधिकारी अपने आप सही काम करेंगे। अभी तो मालिक है, जो मर्जी कर सकते हैं। पिछले 5 साल में पानीपत नगर निगम में महाभारत, बद इंतजामी, भ्रष्टाचार पूरा शोर रहा है। किसी एक महीने भी शायद इस संस्था की साख नहीं बनी पब्लिक की नजर में। अब दोबारा चुनाव भी हुए, अब भी वही हाल है। किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है? देखो, अभी कुछ दिन पहले सीएम साहब पानीपत में आए थे, तो मेयर अवनीत कौर ने बेबाक होके ये कह दिया था कि पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उसकी एक कड़ी पहले भी दिखाई थी जेबीएम की कंपनी की, आज दूसरी कड़ी जो नगर निगम के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। जो इतने ये आदमी एक जो नॉन पढ़ा लिखा वो अगर गलती करे तो कह दे भी ठीक है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये तो SCS हैं, IAS हैं, XCN हैं, SC हैं। ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर ये उसके अंदर हेराफेरी करते हैं कि 2 करोड़ के काम के अंदर ठेकेदार को सीधा 60 लाख रुपए का फायदा पहुंचाए, तो इनको डूम भरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। ये सरकार का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, ये 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद इनका अगर पेट नहीं भरता तो इनको कीड़े पड़ेंगे ऐसे अधिकारियों। मैं एक सवाल ये करता हूँ, मुख्यमंत्री अक्सर मंचों से कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, करप्शन सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, अक्सर याद भी दिलाते हैं, लेकिन इसी शहर में करप्शन लगातार हो रहा है। यहाँ के विधायक मंत्री चुप हैं, खामोश हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? देखो, चुप रहना ये उनकी विवशता है। एक चीज का पता है, अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय पानीपत की ईमानदार विधायिका ने एक पर्चे बांटे थे घरों घरों में कि कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो हमें बताओ। मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि पानीपत नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है और चरम सीमा पर है। अगर आपको नहीं भी पता तो टोटल TV वाले सबकी आंखें खोल देंगे, सबको पता है। और इस भ्रष्टाचार पर हमने तो सबूत दे दिए, लगाम लगाना विधायक का काम है। इन भ्रष्टाचारियों को यहां से हटाएं, उसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करें। खाली नाम के पीछे चौकीदार लिखना ही बड़ा नहीं है, चौकीदार की मान्यता भी पता होनी चाहिए कि चौकीदार करता क्या है। मैं कहता हूं एक भूख सी दिल में होती है, एक दर्द जिगर में होता है, मैं रातों उठ उठ रोता हूं जब सारा आलम सोता है। ये चौकीदार की परिभाषा है कि चौकीदार को दिन और रात 24 घंटे अपनी आंखें खोल कर काम करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। आपके लिए आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि आप काफी आक्रामक हो, आजकल आक्रामक हो रही है, कहीं ये तो नहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप में हो या कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही हो? ऐसा है, ये तो बीच में इलेक्शन आ गया था, ये मुद्दा आज से 2-2.5 महीने पहले का है। इलेक्शन की वजह से मैं चुप था, लेकिन मेरे पेट में बट पड़ता था, मेरे को दर्द होती थी कि मैं इतना भ्रष्टाचार सह कैसे रहा हूँ। ये तो जैसे इलेक्शन खत्म हुए, अब फिर आगे इलेक्शन है, लेकिन इन 2 महीनों के अंदर मैं हर हफ्ते आपको नया एपिसोड दूंगा कि पानीपत के अंदर भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हो रहा है, ये अधिकारी कितना माल लूट रहे हैं। पानीपत के अंदर 350 करोड़ की बजाय इन्होंने 150 करोड़ से ऊपर पानीपत में नहीं लगाया, बाकी पैसा जो उनसा है इनकी नाक के नीचे से सब इनके पास है, वो सारा निकलाने का काम करेंगे। सरदार जी हिम्मत करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आज फिर एक बार इन्होंने ये किया है। आप एक विधायक के साथ घूमते हैं, आरोप लग रहे हैं खुलेआम भ्रष्टाचार की, विधायकों की नाकामी के भी कि वो चुप खामोश क्यों हैं। आप विधायक के साथ घूमते हो, लेकिन आज इनके साथ हो, तो आपको भी लगता है कहीं ना कहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? हमारे पानीपत के जो ग्रामीण के विधायक हैं महिपाल डाणा जी, उन्होंने इतना मोटा पैसा हरियाणा सरकार से लेकर अपने ग्रामीण की जनता को इतना भरपूर पैसा दिया है कि अधिकारी है ना, उनको लगा नहीं पा रहे। और अभी भी विधायक जी ने हमारे खुली छूट दे रखी है कि ग्रामीण हलके के अंदर जितनी भी आपके अंदर कॉलोनियां आती हो पूरा काम करवाओ,
और बहुत बढ़िया विधायक महिपाल राणा जी मेरे लिए पूरे पैसा तो ला रहे हैं लेकिन पैसा खुर्द बोल रहे हैं। सवाल ये जिसके लिए आप भी आज इनके साथ आए, हम उनके भी फोन करवाते हैं अधिकारी अधिकारियों के पास, पूरा खींच कर लेते हैं मीटर। जिस शहर में पार्षद बीजेपी के हो, मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का, उस सरकार पर एक सवाल उठ रहे हैं कि पानीपत नगर निगम की दशा आखिर कब सुधरेगी। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।